नमस्कार दोस्तों, मैं रानी शर्मा हाजिर हूँ सीटेट की सीरीज का फिफ्थ वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडी सीटेट की सेकंड पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो हम पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर करीब करीब कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एक चीज़ रह गई थी, वो थी आश्रम व्यवस्था। तो पहले हम आश्रम व्यवस्था को देख लेते हैं कि कौन सा आश्रम पहले आता है, इससे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वैसे तो बहुत ही साधारण है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ में, जैसे ब्रह्मचर्य 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो ये वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं समझा देती हूँ। जैसे वानप्रस्थ का मतलब होता है घर में ही रह के वन जैसा फील करना, मतलब सब कुछ छोड़ देना। 50 से 75 के टाइम पे जब बच्चे बड़े हो जाते, समझदार हो जाते, नाते पोते हो जाते, तो उसके बाद हमें कुछ बोलना नहीं है, टेंशन ना देना है ना लेना है, शांति से रहना है, जैसे वन में रहते हैं उस तरह से। जो भी मिल जाए वो खा लेना है, जो भी मिल जाए वो पहन लेना है। और फिर होता है 75 से 100 साल का। आजकल इतना जीते हैं कि वो मैं तो नहीं करता, लेकिन हम संन्यास के बारे में बात कर रहे हैं तो वही करेंगे कि 75 से 100 साल तक का जो था वो संन्यास आश्रम था। तो संन्यास आश्रम का होता है घर से भी प्रस्थान कर जाना, ठीक है, बिल्कुल ही संन्यास ले लेना। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में नाम जरूर वानप्रस्थ का है, लेकिन इसका मतलब वन में जाना नहीं, बल्कि वन जैसा फील करना है घर में रह के, ठीक है। आजकल के लिए बोल रहे हैं, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो यही लिखा है कि वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अंतर में सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो सन्यासी बन जाना है, सन्यासी क्या, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कुछ ही डेस्ट तो हर चैप्टर के बाद रन करनी होगी। उपनिषद के उपनिषदों के विचार है, जैसे जैन महावीर था बुद्ध लगभग 2500 वर्ष, इनमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हम थोड़ा समझ के करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और जैन ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष हुआ था। फिर है चैप्टर नंबर 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो उन्होंने अशोक के बारे में सभी जानते होंगे, ये हम शूरों को कि चित्र रुपये पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन पत्थरों को काट कर बनाया गया है, उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये वही सारनाथ है जहाँ पर महावीर बुद्ध ने अपना पहला भाषण दिया था। तो अभी तक हमने 7 चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं, तो इसके वंश के बारे में जान लेते हैं। जब एक ही वंश के परिवार के सदस्य एक ही बार एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो ये मौर्य वंश के थे, जो कौन थे, अशोक। उनके पिताजी थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पिताजी थे चंद्रगुप्त, या फिर ऐसे पढ़ो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक, चंद्रगुप्त, या कैसे भी पूछ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को, चंद्रगुप्त का बेटा कौन था, बिंदुसार, और बिंदुसार का अशोक। और फिर इसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार था करते थे। तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। तो अब मैप में बताएंगे, नाम बताओ जहाँ अशोक के अवलेख मिले हैं। तो ये सबसे पहले तो शिलालेख कहाँ कहाँ मिले उसमें देख लो आप, वैड मार्ग है पहले से आपको दिख रहा है। तो ये जहाँ जहाँ अशोक के अवलेख मिले थे, अशोक किस राज्य से थे, मौर्य साम्राज्य से थे। तो ये सहवाजगढ़, मुनसेरा, लंपक, कंधार, कलसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर, गुज्जर, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया और कलिंग, सोपरा, गिरनार, सन्नाती,
मस्की, ब्रह्मगिरी, हिरणगुड़ा और सांची और रूपनाथ। तो ये इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे हमें अभिलेख प्राप्त हुए थे। फिर और ये ब्लैक मार्ड है, मार्ग है जो वो महत्वपूर्ण नगर थे। कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। ठीक है, ये मैप उसी समय का है, मुझे उसी समय का दिखाया गया है। राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न है? मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके की गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से एक कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे 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 क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार वहाँ के राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। किसको? राजकुमारों को। तो ये प्रश्न में आता है कि किसको गवर्नर बना के भेजा जाता था, तो आपको याद रखना है राजकुमारों। ठीक है, और ये नजराना जिसे कहते हैं, नजराना किसे कहते थे? नजराना किसे कहते थे? जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठी की जाती थी वही नजराना, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में या ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेल्यूकस कौन था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, इसमें हम पूरा हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ बच्चों की वो रहती है प्रॉब्लम कि हिंदी में बताओ, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरा वीडियो हमने हिंदी में बता दिया है, बना दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इंग्लिश में तो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं ही, कुछ हिंदी में भी होना चाहिए ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। तो सम्राट का जनता के सामने, यहाँ हम उसकी भूमिका एक अंक दे रहे हैं, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रतिष्ठित तोतों का एक झुंड रहता है प्रशिक्षित, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामंत हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। दो और तीन मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया, जो पाकिस्तान में मिला था। याद है हमें चैप्टर 5 में पढ़ा था, वहां भी इसी तरह के घर मिले थे जिसमें पत्थर की नक्काशी थी लकड़ी की घर पर। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। फिर है अशोक के कनों का सम्राट। इसने क्या किया था? ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख वही जो बताए थे अपने धम्म में, जिसमें अभी आया था कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। यह एक अभिलेख है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के बाद 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी तो युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि इसके बाद मेरे बेटे और
पोते भी युद्ध ना करें। तो इसमें धम का, धम संस्कृत शब्द था, इसका मतलब होता है धम संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप, मतलब धम तो हिंदी है लेकिन धम धर्म इसका संस्कृत है। तो ये कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। हाँ प्रश्न आ जाता है कि उड़ीसा का तटवर्ती नाम क्या है या कलिंग का तटवर्ती नाम, ऐसे करके कंफ्यूज करने के लिए कुछ डाल सकते हैं। तो आपको कलिंग उड़ीसा एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना है, मतलब कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है, कलिंग उड़ीसा। और इसमें ये जो संदेश थे ये तो यहाँ से प्रश्न ही आते हैं, बस इनमें से आपको ऐसे पढ़ लेना है। हाँ ये था कि उसके आधुनिक भारत में ज्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ ये ब्राह्मी लिपियाँ और अशोक के ज्यादातर जो लेख थे धम्म वो किस उसमें थे, भाषा में थे, वो ब्राह्मी लिपि में ही थे, ठीक है याद रखना। फिर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। और अब आता है यहाँ पे रेशम, ये चित्र देख लीजिए, इसका मेरा चार्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये भी यवन सिक्का है, कुषाण सिक्का है। तो ये सिक्के हैं शक सिक्का, सत्वाहन सिक्का, इसी राजा के थे। तो थोड़ा उसी को पढ़ लेते हैं, चैप्टर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सिक्कों के बारे में थोड़ा सा कुछ आ जाता है तो उसको खत्म कर लेते हैं आज हम, ठीक है। तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंदी वन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे जब तक कि शक शासकों को कुछ शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अतः शकों के बाद कुषाणों और लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय कुषाणों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद उत्तर तथा मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व, तो ये चीज याद रखना है, शुंगों के बाद कण्व, कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन करते रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 17 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में बाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांडवों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हम उनके सिक्के, पांडुलिपि तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ उन अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी, इसलिए पुस्तकों के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान रखना। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक कुछ आपको इसमें समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए हमें, हम भी आपके साथ में